नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो वास्तु टिप्स में आज मैं बताऊंगा डाइनिंग रूम या भोजन कक्ष के बारे में। मतलब भोजन कक्ष मतलब जहां हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले भी मैं बोल चुका हूं, चारों तरफ सिर्फ एक एनर्जी होता है। एनर्जी के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कुछ कोई भी काम करने के लिए हम लोग को ताकत की ज़रूरत होता है, पावर की ज़रूरत होता है, तभी जाके हम लोग कुछ काम कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, रात को सोते हैं, मतलब विश्राम लेते हैं, तो उसमें हम लोग का ताकत बढ़ता है। तो इसलिए जहाँ हम लोग खाना खाता है वो जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे खाना खा रहा है, किस जगह पर खाना खा रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि खाना ही हम लोग का जो पावर देता है या ताकत देता है। तो इसके बारे में हम लोग को बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करता हूँ। डाइनिंग रूम देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये जो ब्लू कलर करके दिया हुआ है, यहाँ हम लोग का आउटर वॉल है, मतलब बाउंड्री है, और अंदर जो स्क्वायर करके दिया हुआ है, ये हम लोग का वास्तु है, मतलब हम लोग का बिल्डिंग, हम लोग का घर है। ठीक है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये चारों तरफ है। ठीक है, तो जैसे मैं बोला हूँ, जैसे किचन के वीडियो में मैं बोला हूँ, जैसे किचन जहाँ हम लोग खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने करने के लिए दो जगह सही है, जो एक साउथ ईस्ट है, जो साउथ ईस्ट है, दक्षिण दक्षिण पूर्व, और एक ये नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम, ये दोनों जगह खाना बनाने के लिए सही है। ठीक है, तो डाइनिंग रूम जो है, डाइनिंग रूम अगर खाना जहाँ लोग बना रहे, जो किचन है उसके आसपास होगा तो वही बेहतर है। ठीक है, ऐसे डाइनिंग रूम के लिए उतना हार्ड एंड फास्ट उतना रूल कुछ है नहीं, मगर ये डाइनिंग रूम जो है पश्चिम के तरफ ये होगा, इस जगह पर पश्चिम के तरफ ये वेस्ट के तरफ होगा, तो ये बेहतर है, ये बेस्ट है। ठीक है, और भी आप जगह पर बना सकते हैं, जैसे ये नॉर्थ के डायरेक्शन में, नॉर्थ के डायरेक्शन में देखिए, या 3 4 5 यहाँ तक यहाँ बना सकते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है। और ये साउथ के साउथ में यहाँ पे बना सकते हैं 3 4 5 करके, देखिए येलो कलर करके दिया हुआ है, जो येलो कलर करके दिया हुआ है, ये हम लोग का डाइनिंग रूम के लिए बेस्ट है। या ईस्ट में या 3 4 5 करके, 3 4 5 करके दिया हुआ है, और भी जितना जगह है, या बीच में यहाँ पे और यहाँ पे, ये भी यहाँ भी बनाएंगे तो उतना ठीक है, खराब नहीं है, खराब नहीं है, आप बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये गया डाइनिंग रूम का आपका पोजीशन, पोजीशन मतलब कहाँ आप डाइनिंग रूम बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, डाइनिंग रूम के बारे में और भी कुछ चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे डाइनिंग रूम जहाँ हम लोग खाना खा रहे हैं, जैसे डाइनिंग टेबल कैसा होना चाहिए, तो डाइनिंग टेबल का जो शेप होगा वो स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर रेक्टेंगुलर या ओवल होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये तीनों शेप जो डाइनिंग टेबल होता है, जहाँ हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, जो जिस टेबल में, वो टेबल का शेप स्क्वायर रेक्टेंगुलर या ओवल होगा तो ठीक है। ठीक है, जैसे राउंड शेप का डाइनिंग टेबल बिल्कुल ही बनाने नहीं चाहिए, क्योंकि राउंड शेप का अगर डाइनिंग टेबल बना रहा है तो घर का जो मेंबर है एक दूसरे के साथ उतना बनी बना होगा नहीं, उतना एक दूसरे के साथ उतना अच्छा ये नहीं रहेगा, रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहेगा, एक साथ बैठ के आप लोग खाना खा नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो राउंड शेप का डाइनिंग टेबल कभी भी बनाना नहीं चाहिए। और जो डाइनिंग टेबल का जो मटेरियल होता है वो वुडन, मतलब काठ, वुडन वुड का होगा तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो ग्लास का भी चलेगा, ग्लास का भी एवरेज है, मगर मेटल का जो डाइनिंग टेबल, मेटल का जो होता है वो धातु, मेटल का जो डाइनिंग टेबल वो बिल्कुल ही बनाना नहीं चाहिए। तो वुडन और ग्लास का ठीक है, मेटल या डाइनिंग मेटल का डाइनिंग टेबल बिल्कुल ही नहीं बनाना चाहिए। ठीक, और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे आप लोग बैठ के खाना खा रहे हो, तो खाना के टाइम आपका जो मुंह है, आप किस दिशा में मुंह करके खाना खा रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ये जान लीजिए, ईस्ट और नॉर्थ मतलब उत्तर या पूर्व, इस दोनों दिशा में मुंह करके आप लोगों को खाना खाना चाहिए, तो वो खाना हम लोगों के लिए ज़्यादा पोषण देता है, वो न्यूट्रिशन देता है, तो न्यूट्रिशन या पोषण देता है। ठीक है, तो अगर आप साउथ के तरफ या वेस्ट के तरफ मुंह करके खाना खा रहा है, तो वो हम लोग का अच्छा पोषण, अच्छा न्यूट्रिशन देता नहीं, तो इसलिए कभी साउथ के दिशा में या वेस्ट के दिशा में मुंह करके खाना नहीं खाना चाहिए। डाइनिंग टेबल को ऐसे अरेंज कीजिए ताकि आप लोगों का मुंह, मैक्सिमम मेंबर का मुंह नॉर्थ में या ईस्ट में रहे। ठीक है, और देखिए, और चीज़ कुछ चीज़ आप लोगों के ध्यान में देना है, जैसे डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल में कुछ फ्रेश फूड का ये रख सकते हैं आप लोग, कुछ प्लेट में फ्रेश फूड, ताज़ा जो फल होता है वो फल रख सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, और डाइनिंग टेबल के जो आसपास जो दीवार है, उस दीवार में, डाइनिंग टेबल के आसपास जो दीवार है उस दीवार में कभी भी कोई भी डरावना फोटो, जैसे पत्थर या मिट्टी का जानवर है, जानवर का मुंह के रख देता है, तो ये सब चीज़, जैसे डरावना फोटो होता है,
डरावना, जिसको देख के बच्चे डर जाता है या ऐसा डर तरीके से लगता है। तो ऐसा फोटो या ऐसा पत्थर का कोई मिट्टी का मूर्ति हो, ये सब कभी भी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जे देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं, तो खाना खाने के टाइम जब खाना हम लोग का बॉडी के अंदर जाता है, तो उस टाइम आसपास का जो वाइब्रेशन होता है, मतलब हम लोग का चारों तरफ जो वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन भी खाने के अंदर साथ साथ वो अंदर चला जाता है। तो ये इसलिए वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आसपास में रहेगा, शांत माहौल रहेगा, तो वो खाना हम लोगों के लिए अच्छा पोषण न्यूट्रिशन देगा। अगर वो नेगेटिव वाइब्रेशन रहेगा, ठीक है, जैसे कोई दुखी होगा या कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, तो गुस्सा करने के टाइम अगर खाना खा रहा है, उस माहौल में अगर खाना खा रहा है, तो वो जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो हम लोग का बॉडी के अंदर चला जाएगा, तो अच्छा पोषण अच्छा न्यूट्रिशन देता नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा गुस्सा वाले वाली माहौल में खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई शोक वाली, जो ज़्यादा दुख दुख दर्द में हो कोई, तो उस टाइम खाना ना खाए ही तो बेहतर है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे टीवी चल रहा है, तो टीवी देखते देखते खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सेम चीज़ है। क्योंकि टीवी में कभी कॉमेडी चल रहा है, कभी फाइटिंग चल रहा है, कभी दुख दर्द का सीन चल रहा है, तो वो सब हम लोग का आसपास का माहौल चेंज करते हैं। जैसे हम लोग वो सब देखते रहते हो, तो हम लोग का माइंड भी चेंज होता रहता है, हम लोग का दिमाग भी चेंज होता रहता है, तो आसपास का वाइब्रेशन भी चेंज होता है। तो उस खाना इसलिए वो सब वाइब्रेशन के अंदर अगर खाना खाएंगे, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन हम लोग का अंदर चला जाएगा। इसलिए टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। जैसे जब हम लोग खाना खाते हैं, तो हम लोग अच्छा सोचना चाहिए। जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, तो हम लोग ऐसा खाना खाने का टाइम या खाना खाने से पहले ऐसा सोचना चाहिए चाहिए कि ये मैं खाना खा रहा हूँ, ये मुझे अच्छा न्यूट्रिशन देगा, अच्छा पोषण देगा, ये मेरा बॉडी के अंदर अच्छा ताकत देगा, ये पावर देगा, ये खाना मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही यूजफुल है। ऐसा सोच के अगर खाना खा रहे हो डाइनिंग रूम में, तो वो खाना आपके लिए सच में वो ताकत लाएगा, वो खाना आपके लिए ज़्यादा न्यूट्रिशन होगा, वो पोषण पोषण देगा ज़्यादा, ठीक है। तो ये था डाइनिंग रूम के बारे में डिटेल्स में आज मैं बताया हूँ। समझता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप लोग अप्लाई करके देखिए, ठीक है। आप लोग को ज़िंदगी में खुशी आते रहे, आप लोग खुश रहिए, अच्छा से रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।